Hello friends, this is a video which is related to what extent do you agree or disagree, right? So we'll be focusing about to what extent do you agree or disagree. Earlier I have made a video of the format or the template of how to write agree or disagree. Then later on I get so many requests if I can make video for to what extent also, okay? So this video would specifically be focusing about it, but keep in mind that this video I am going to make in different parts. So there would be 3 to 4 parts of this video, and today is the part 1 of it. Make sure you'll watch all the parts so that you get the clarity of the concept. कि अगर आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है तो आपने 4 पार्ट में ये वीडियो बनेगी, चारों के चारों पार्ट आपने देखने हैं ताकि आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. So we are going to discuss what is the difference in do you agree or disagree and to what extent do you agree or disagree. कि इन दोनों में basic difference क्या है. Agree disagree में your opinion is being asked whether you say agree or disagree. कि आप या तो उसके favor में हैं या उसके against में हैं. If I say I agree means I cannot write anything related to disagreement. और अगर मैंने disagree से related कुछ लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, right? But at the same time, if I say to what extent means आप किस हद तक agree करते हो. So at that time, it is mandatory to answer this extent question also, okay? And when we are going to mention the extent, what is the extent of being agree or disagree, there are 5 possible ways, 5 ways that we can mention, and it is again important to mention it. Agar aapne miss kar diya is extent ko answer karna, agar aap isko answer nahi karte hain, to aap ye maan kar ke chalo ki uska bahut bada impact aayega aapke score ke upar. क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस है, तो जो डिफरेंस है आपने अंडरस्टैंड करना है और उसे मेंटेन भी करना है जब आप आंसर करेंगे. सो व्हाट कुड बी द 5 वेज ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन. द वेरी फर्स्ट इज इफ आई से आई फॉर्मली एग्री विद द स्टेटमेंट. सो फॉर्मली एग्री मींस 100% एग्री. अगर मैंने फॉर्मली एग्री कर लिया, अब इसका मतलब क्या है, आई विल बी राइटिंग रिलेटेड टू एग्री ओनली, आई कैन नॉट राइट एनीथिंग रिलेटेड टू डिसएग्री. और अगर मैंने लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है. देन सेकंड पॉसिबल ऑप्शन वी हैव इज आई एग्री टू लार्ज एक्सटेंट. सो व्हेन आई से आई एग्री टू लार्ज एक्सटेंट मीन्स काफ़ी हद तक मैं एग्री करती हूँ. काफ़ी हद तक अगर मैं एग्री करती हूँ तो जो थोड़ा बचा हुआ है डिसएग्री वो कौन कर रहा है, वो डिसएग्री भी तो मैं ही कर रही हूँ ना. बिकॉज इट इज़ अबाउट टू वॉट एक्सटेंट, आप किस हद तक एग्री करते हो. एंड इफ़ यू मैंशन द एक्सटेंट, इफ यू से एग्री टू लार्ज एक्सटेंट मीन्स कि जो लेसर एक्सटेंट बचा हुआ है, जो रिमेनिंग एक्सटेंट है, दैट इज़ अगेन माई ओपिनियन. कि मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी लेकिन कुछ मुझे बुरा लगा. क्या बुरा लगा, या जिसके मैं फेवर में नहीं हूँ, जिसके मैं अगेंस्ट हूँ, वो भी इसमें लिखना है. जस्ट अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, लेट से इफ यू हैव सीन अ मूवी, आपने कोई मूवी देखी है, एंड इफ आई आस्क कि आपको वो कितनी अच्छी लगी, कितनी अच्छी लगी, या तो आप बोलोगे जी सब कुछ अच्छा था उसके अंदर, तो देर वॉज लाइक नथिंग नेगेटिव और नथिंग लाइक विच आई डिसलाइक इन दैट मूवी, फाइन. अनदर सिनारियो इज इफ यू से आई रियली लाइक इट वेरी मच, हाउ एवर देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट कुड बी इम्प्रूव्ड, तो वो आपका ओपिनियन है, दिस इज लार्ज एक्सटेंट. अब इस केस में हम क्या करते हैं, हम 70% एग्री देंगे और 30% डिसएग्री देंगे. मींस 2 पैराग्राफ हम एग्री के बनाएंगे और 1 पैराग्राफ हम डिसएग्री का बनाएंगे. एग्री भी आपका ओपिनियन है, डिसएग्री भी आपका ओपिनियन है. इसमें आपको क्रिटिक्स या अदर पीपल थिंक उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. और अगर आप कर लेते हैं गलती से भी तो वो गलत हो जाएगा, क्लियर. थर्ड वी हैव इज आई पार्शली एग्री. सो आई पार्शली एग्री मीन्स 50-50. आप चाहे पार्शली एग्री कर लो या पार्शली डिसएग्री कर लो, एक ही बात है, कुछ आपने एग्री के बारे में लिखना है और उतने ही जो पैराग्राफ है या उतने ही जो आइडियाज़ हैं वो आपने डिसएग्री के लिए भी बनाने हैं. फोर्थ वी हैव इज आई डिसएग्री टू लार्ज एक्सटेंट. सो इसी का ही ऑपोजिट है, आई डिसएग्री टू लार्ज एक्सटेंट मीन्स आप डिसएग्री के बारे में ज़्यादा पॉइंट लिखोगे और एग्री के बारे में कम लिखेंगे. देन नेक्स्ट यू हैव इज आई फॉर्मली डिसएग्री. फॉर्मली डिसएग्री मीन्स अगेन सिंगल साइडेड जाएगा और इसके अंदर सारा का सारा आप डिसएग्री के बारे में लिखेंगे, एग्री के बारे में आपने कुछ भी नहीं लिखना है, राइट. एम आई क्लियर.
राइट. सो जनरली व्हाट हैपेंस कि जब हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं हम मोस्ट ऑफ द टाइम इसी पे ही जाते हैं, आई एग्री टू लार्ज एक्सटेंट, आई डिसएग्री टू लार्ज एक्सटेंट. फॉर्मली वाली जो सिचुएशंस होती हैं वो बहुत कम होती हैं, क्योंकि फॉर्मली का मतलब क्या हो जाता है कि आप सेकंड बिल्कुल भी मेंशन नहीं करोगे. तो आपने जब डिसाइड करना है कि फॉर्मली करना है या नहीं करना है तो आपने हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच पे जाना है, नेवर गो फॉर इमोशनल अप्रोच. व्हेन आई से प्रैक्टिकल अप्रोच पे जाना है सो इट रियली मीन्स दैट व्हेन यू रीड द स्टेटमेंट यू नीड टू ट्रांसलेट इट इनटू योर मदर टंग and try to understand, right? So if I really observe this scenario, is this situation growing? Is this really happening? Okay? So this is what is actually happening in the society. अगर आपको लगता है कि अगर ये जो idea है, ये जो statement है, अगर हम इसके favor करते हैं तो पूरी society को benefit होगा और हो भी रहा है, या फिर पूरी country को होगा, तब आप उसको agree करोगे. इट इज़ नॉट वॉट आई पर्सनली थिंक. ऑब्वियसली ऐसे आप लिख रहे हैं राइट, बट आप लिख एग्जामिनर के लिए रहे हो, आप अपने लिए नहीं लिख रहे हो. जब तक एग्जामिनर उस ऐसे को रीड करके सेटिस्फाई नहीं होगा आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे. तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी आपने डिसाइड करना है वो लॉजिकली रैशनली करना है, इमोशनली होकर के नहीं करना. यहाँ तक क्लियर हो गया. अब हम आते हैं कि फॉर्मली की जगह आप कौन से वर्ड्स लगा सकते हो. फॉर्मली की जगह आप क्या लगा दोगे? स्ट्रांगली. स्ट्रांगली का मतलब भी 100% होता है. स्टेडफास्टली, देन एब्सोल्यूटली और अनस्वर्विंगली. इन सब का मतलब क्या होता है? फुली, 100%. तो वो आप कर सकते हैं. अब हम आगे आते हैं पैराग्राफ मैनेजमेंट की. मान लीजिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने कौन सा ए बी सी डी ई इन पांचों में से मैंने कौन सा चूज़ करना है अपने उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए. अब अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पैराग्राफ मैनेजमेंट कि हमने कितने पैराग्राफ बनाने हैं और किस पैराग्राफ के अंदर हमने कौन सा कंटेंट एड ऑन करना है. तो हम फर्स्ट लेते हैं ए एंड ई. ए और ई क्या हो गया? जो सिंगल साइडेड है बिल्कुल, जिसमें सेकंड तो हमने लेना ही नहीं है. ठीक है, तो ए और ई में हम क्या लिखेंगे? अगर मान लीजिए आपके पास ए है तो वो क्या आ गया? फर्स्ट पैराग्राफ आप इंट्रोडक्शन बनाएंगे, सेकंड एग्री, थर्ड भी एग्री, उसी में आप एग्जांपल दे दोगे, और फोर्थ आपके पास क्या हो गया? कंक्लूजन. तो अब ये क्या था? आई फॉर्मली एग्री. फॉर्मली एग्री मीन्स पूरा का पूरा मैंने एग्री के बारे में लिखा है, उसी का एग्जाम्पल देना है. इसका ऑपोजिट आपके पास ये आ गया इंट्रो. दो पैराग्राफ हमने डिसएग्री के बना दिए. क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट को हमने डिसएग्री किया है. स्टेटमेंट को डिसएग्री किया है तो दोनों ही पैराग्राफ डिसएग्री के बनेंगे और उसी का ही हम एग्जाम्पल देंगे. एंड लास्ट इज कंक्लूजन. ठीक है, सो दिस इज, अगर हमने सिंगल साइडेड जाना है तो हम चार पैराग्राफ ही बनाएंगे, इंट्रो कंक्लूजन के अलावा दो ही बॉडी पैराग्राफ बनाएंगे और उन दोनों में उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड फेवर या अगेंस्ट हम लिखेंगे. नेक्स्ट आता है अगर आपने लार्ज एक्सटेंट एग्री करना है. बी, बी आपके पास कौन सा था? लार्ज एक्सटेंट एग्री. तो अगर आप लार्ज एक्सटेंट एग्री करेंगे तब क्या होगा? फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, सेकंड पे आपने एग्री करना है, थर्ड पे आपने एग्री करना है, उसका हम एग्जांपल दे देंगे, फोर्थ में डिसएग्री करना है और कंक्लूजन. अब एक चीज़ ये है कि एग्जांपल जो आपने देना है मेक श्योर एग्जांपल आप उसमें दें जिसके लिए आप ज़्यादा पैराग्राफ बना रहे हैं या जिसको आप ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं. ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं बीच में आपने एग्जांपल डाल दिया, इट इज़ ओके. जिसके बारे में पहले ही थोड़ा सा लिख रहे हो उसमें एग्जांपल डाल दोगे तो वो सही नहीं है. ठीक है, तो दो पैराग्राफ एग्री, एक डिसएग्री, कंक्लूजन. अब इसमें जो डिसएग्री है दिस इज अगेन व्हाट माय ओपिनियन, इट इज़ नॉट अदर्स ओपिनियन. एग्री भी मेरा है, डिसएग्री भी मेरा है. ठीक है, और कंक्लूजन में मैंने कहीं ना कहीं जाकर के उनको बैलेंस कर देना है. देन फॉर डी, डी इज व्हाट? लार्ज एक्सटेंट डिसएग्री. लार्ज एक्सटेंट डिसएग्री के केस में हम क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन, सेकेंड और थर्ड दो पैराग्राफ हमने डिसएग्री बनाने हैं. क्यों? क्योंकि डिसएग्री के लिए हमारे पास ज़्यादा पॉइंट है, उसी का हम एग्जाम्पल देंगे. फोर्थ पैराग्राफ हम एग्री का बनाएंगे और लास्ट कंक्लूजन. ठीक है, इसमें एग्री ऊपर नहीं लिखना, एग्री नीचे ही लिखना है क्योंकि उसके थोड़े से पॉइंट होंगे. और इन एनी केस अगर आपको लगता है कि हमने एग्री और डिसएग्री इन दोनों को अगर हमने 50-50 लिखना है, एग्री और डिसएग्री को, उस केस में हम क्या करेंगे? फर्स्ट इंट्रोडक्शन बनेगा, एक पैराग्राफ आप एग्री का बनाएंगे,
थर्ड एक ही पैराग्राफ आप डिसएग्री का बनाएंगे और लास्ट में कंक्लूजन। तो जब एग्री और डिसएग्री दोनों का एक एक पैराग्राफ बन रहा है उस टाइम पर एग्जाम्पल देना, इट इज़ ऑल अप टू योर चॉइस कि आप कौन सा एग्जाम्पल देना चाहते हैं। अगर आप एग्री में एग्जाम्पल देना चाहते हैं आप एग्री में दे सकते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आपने डिसएग्री के लिए एग्जाम्पल देना है तो आप डिसएग्री का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा पैराग्राफ मैनेजमेंट कि कितने पैराग्राफ्स हमने बनाने हैं या कैसे करना है। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी पार्ट टू में हम एक स्पेशल फॉर्मेट या एक स्पेशल टैम्पलेट हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करना है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो सेकेंड पैराग्राफ है, थर्ड है या फोर्थ है, उसको कैसे शुरू करना है। बिकॉज यू कैनॉट यूज़ अदर पीपल थिंक, सम क्रिटिक्स आर्ग्यू, वो वर्ड तो हमने लगाना ही नहीं है। अब वो हमने कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।